सब्सक्राइब कीजिए इन्फोटेक अथॉरिटी चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो पे। और आज के इस वीडियो पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रोजेक्टर्स के बारे में। प्रोजेक्टर ओपन करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रोजेक्टर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और ये कैसे काम करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको DLP प्रोजेक्टर्स को ओपन करके दिखाने वाला हूँ। और अभी मैं यहाँ पे आया हूँ ओरिजिन इन्फोटेल में। ये एक लैब है, यहाँ पे प्रोजेक्टर का सारा काम होता है, प्रोजेक्टर के अलावा भी बहुत सारे काम होता है। तो और मेरे साथ राजेंद्र जी हैं जो कि यहाँ के ओनर हैं, ये मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या क्या काम होता है। उसके अलावा मेरे पास जो प्रोजेक्टर है ये इन्फोकस का DLP प्रोजेक्टर है, इसे हम ओपन करके देखेंगे इसके अंदर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों सर से बात कर लेते हैं। सर आप अपने बारे में हमें बता दीजिए, उसके बाद हम इसे ओपन करके भी देखेंगे। हमारा जो काम है प्रोजेक्टरों का मेन है, हमारा प्रोजेक्टर रिपेयर करना ऑन साइड ऑन स्कूल में हमारा रिपेयर होता है सारा प्रोजेक्टर। हम लोग जो प्रोजेक्टर होते हैं इसमें कई तरीके के ब्रांड होते हैं, जिसमें एडुकॉम हो गया, इनफोकस हो गए, कई प्रोजेक्टर हैं। हम सारे जितने प्रोजेक्टर होते हैं सारे प्रोजेक्टर हम रिपेयर करते हैं। और इन्हीं प्रोजेक्टर का हम अभी आपको खोल के दिखाते हैं क्या क्या प्रोजेक्टर में काम होता है, क्या कैसे कैसे वर्क करता है, वो सारा का सारा हम डिटेल में बताएंगे अभी आपको। तो आप यहाँ पे पुराने प्रोजेक्टर खरीद भी सकते हैं? हाँ, पुराने प्रोजेक्टर आप हमसे खरीद सकते हैं। आपके पास है कोई पड़ा? हाँ जी बिल्कुल सर, दिखाइए सर। ये हमारे पास हिताची का प्रोजेक्टर है, हिताची का ये LCD बेस्ड प्रोजेक्टर है, ये आपको मिल जाएगा। फिर इसी में हमारा क्या प्राइस क्या होगा सर इसका? इसका 12,000 रुपये। 12,000? हाँ जी। LCD प्रोजेक्टर? LCD प्रोजेक्टर है ये, ठीक है। लॉन्ग थ्रो ये लॉन्ग थ्रू प्रोजेक्टर हमारा होगा। और इसमें ही फिर हमारा दूसरा आता है, ये सैनियो का है, ये XVG प्रोजेक्टर है हमारा, ये मिल जाएगा आपको, ये भी 12,000 रुपये का मिल जाएगा आपको, ठीक है। और दूसरा कोई? दूसरा है हमारा NEC का है ये आपका, ये पुराने प्रोजेक्टरों में NEC का मिल जाएगा आपको। ये ब्रांड भी सबसे वो हैं, जो भी हमारे पास पुराने प्रोजेक्टर होंगे वो सारे ब्रांड में ही होंगे हमारे पास। सर जो पुराने प्रोजेक्टर आप सेल करोगे उसमें वारंटी भी प्रोवाइड करोगे? हाँ, वारंटी भी होती है, 3 मंथ वारंटी होती है हमारी। नया लैंप लगा के देंगे इसके अंदर हम आपको। अब ये प्रोजेक्टर जो हमारे पास हैं ये सारा का सारा हमारा रिपेयर होने के लिए आए हैं बाहर से, और सारा का सारा अब ये रिपेयर होके और देन कोरियर के थ्रू हम लोग बाहर कोरियर कर देते हैं प्रोजेक्टर। अच्छा, कोई बाहर से रिपेयर करवाए तो आप कोरियर से भेज दो? बिल्कुल सर, हमारे हर तरीके की कोरियर सर्विस है, उस तरीके से हम लोग कस्टमर से कोऑर्डिनेट करके कोरियर सर्विस से करा लेते हैं। जहाँ तक कोरियर सर्विस होगा वहाँ तक आप? बिल्कुल सर। तो अगर बाहर से कोई रिपेयर करवाना चाहता है तो भी यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है, पार्ट्स वगैरह भी मिल जाते हैं? बिल्कुल सर, सारे पार्ट तो मिलेंगे आपको, मिलते हैं पुराने नए, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा प्रोजेक्टर का सारा काम होता है, तो यहाँ पे आप रिपेयर भी करवा सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। तो कंपनी की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख के मेल कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं, या अगर आप दिल्ली से हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आप देखते हैं ओपन करके। तो सबसे पहले हम लैंप ओपन करने वाले हैं, ये आपका लैंप है ऊपर, इस तरीके से आपका लैंप आ गया बाहर, ये हमारा लैंप हो गया। एक बार लैंप को दिखाइएगा, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्टर खुल गया है।
अब इसे हम तो अब हम यहाँ पे मदरबोर्ड ओपन कर रहे हैं। इस तरीके से इसका आपने कनेक्टर्स हटा दिए और ये रहा आपका मदरबोर्ड। थोड़ा सा ये दिक्कत देता है निकालने में। अब नीचे कनेक्शन भी हैं इसके, तो प्रॉपर तरीके से ये निकालने हैं हमें। ये हमारा मेन बोर्ड। ये हमारा मदरबोर्ड निकल गया। हाँ जी, मेन बोर्ड। मदरबोर्ड का काम होता है पूरे प्रोजेक्टर को कंट्रोल करना, फंक्शनली वर्क कराना। ये हमारे मेन बोर्ड का काम होता है। ये हमारा ब्लास्ट है, ये भी निकाल के हम दिखा देते हैं आपको। ये हमारा ब्लास्ट है जो लैंप को पावर देता है। इन्वर्टर कार्ड भी बोलते हैं क्या? हाँ, इन्वर्टर कार्ड भी कहते हैं या एफएल कार्ड कह लो आप। ऐसे रख दीजिएगा। ठीक है। और ये हमारी सप्लाई है, ये नीचे जो है हमारा, ऐसे उंगली से दिखाइएगा। ये हमारी सप्लाई है ये। हाँ जी। ये ब्लोअर फैन है जो लैंप को ठंडा करता है। ये हीट एडजस्टमेंट फैन होते हैं, ये हीट को बाहर निकालते हैं। अब हम चलते हैं कलर व्हील और क्या नाम है फोकस की तरफ। ये हमारा, ये आपका फोकस यूनिट है हमारी पूरी। ठीक है। इसके अंदर हमारी कलर व्हील लगी हुई है, टर्नल हैं। अभी एक एक करके हम आपको सारी चीज दिखाते हैं। तो ये हमारी अब कलर व्हील है, ये हमारे कलर बनाने का काम करती है। जो भी प्रोजेक्टर में कलर्स आपको दिखेंगे इसी के थ्रू जनरेट होंगे, जनरेट होते हैं। ठीक है। अब ये हमारा टर्नल हो गया, लाइट टर्नल जिसे कहते हैं। इसमें से लैंप की जो बीम्स बन के ठीक है अंदर लेंसों पे फोकस मारती हैं। हम आपको डीएमडी, इसमें डीएमडी दिखाते हैं। तो अब ये जो है डीएमडी यूनिट है जिसके अंदर डीएमडी लगता है, हम उसे ओपन कर रहे हैं। ये आपकी डीएमडी यूनिट अलग हो गई। ये डीएमडी आ गई आपकी, ये डीएमडी कार्ड होता है और आपका। यहाँ पे आपका डीएमडी कार्ड है और इसके ऊपर डीएमडी लगी हुई है। हाँ जी। डीएमडी निकालेंगे सर? ये डीएमडी निकल गई आपकी। ये आपकी डीएमडी यूनिट है जिसे डीएमडी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है सर? डीएमडी हमारे जो इमेजेस आती हैं वो सारी इसी पे आती हैं और उससे रिफ्लेक्ट होके हमें सामने स्क्रीन पे दिखाई देंगी। ठीक है। इस तरीके से असेंबल हो जाएगी आपकी। और इसको दिखाना एक बार। तो बाकी जो सारे ये अंदर की फोकस यूनिट होती है अंदर, वो भी अभी खोल के दिखाएंगे हम आपको। अच्छा, ठीक है। और इस तरीके से ये डीएमडी का हीट सिंक है, एक बार दिखाइएगा। और ये आपका डीएमडी का हीट सिंक है। ठीक है। ये
ये हमारी अंदर की फोकस यूनिट है। तो इस तरीके से ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं जहाँ से फोकस जो है बाहर फिल्टर होके बड़ा होके जूम होके जाता है ना जी। और इसमें से आप एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं फोकस यूनिट। ठीक है, तो ये ब्लोअर फैन है जो लैंप को कूल रखने के लिए हवा देता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्टर, पूरा का पूरा डिसअसेंबल हो गया, खुल के सामने आ गया, सारे पार्ट्स आपको अलग अलग दिख गए। ये हमारी पावर सप्लाई है, ये मेन बोर्ड हो गया, ये आपका कलर व्हील है आपकी, ब्लास्ट यूनिट हो गई आपकी, लैंप हो गया, ब्लोअर फैन हो गया, ये फोकस यूनिट हो गई हमारी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, मैंने आपको इसमें प्रोजेक्टर ओपन करके दिखाया और सारे पार्ट्स मैंने आपको दिखा दिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और प्रोजेक्टर से रिलेटेड कुछ भी काम है तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू, बाय बाय।